और हम भी कह रहे हैं कि ये रहस्यमय मौत है और रहस्यमय मौत के संबंध में वाद दर्ज करके आपके हाई लेवल की इंक्वायरी की जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके 5 बार विधायक रहे व्यक्ति का मामला है। मौत हो गई है और बाराबंकी में इनका मुकदमा था और लंबे समय से चल रहा था, क्या कुछ मुकदमा था और जो कार्रवाई थी आपने लंबे समय से देख रहे थे इनकी कार्रवाई को, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, इनके ऊपर एम्बुलेंस केस में कोई आरोप बनता नहीं था और बल्कि आपके जो है 161 सीआरपीसी के बयान के आधार पर इनको अभियुक्त बनाया गया था और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। आज उसकी पेशी है और इससे पहले आपके 21 मार्च को पेशी थी। 21 मार्च को एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया था जिसमें लिखा था कि 19 मार्च की रात को मुख्तार अंसारी साहब को विषैला पदार्थ खिला दिया गया है और उससे पहले 40 दिन पहले भी आपके इनको विषैला पदार्थ खिलाया गया था जिसमें आपके मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई थी और आपके डिप्टी जेलर और अदर्स लोगों की। अब इसके ऊपर आज देखते हैं क्या हो सकता है। वैसे उनके परिवार वाले जो बात कर रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि ये रहस्यमय मौत है और रहस्यमय मौत के संबंध में वाद दर्ज करके आपके हाई लेवल की इंक्वायरी की जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके 5 बार विधायक रहे व्यक्ति का मामला है। दूसरी चीज ये है कि मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी एक केस में बनारस में या गाजीपुर में जिसमें आपके बड़े माफिया लीडर को सजा हो सकती थी, इस वजह से भी इस तरीके की घटना हो सकती है। क्या परिजनों से क्या बात हुई? आज तारीख भी उनकी लगी हुई थी, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है आपसे, क्या परिजनों ने? मैं परिजनों से मेरी कोई बात नहीं हुई। जैसे मुझे शाम को सूचना मिली मैंने आपके तुरंत बांदा के संपर्क सूत्रों से कांटेक्ट किया और उसकी पुष्टि हो गई और फिर उसके बाद जो है समाचार माध्यमों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि उनको मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया है। अब कारण उनके अपने हैं और लेकिन जो संदिग्धता है पहले से ही जो प्रार्थना पत्र सुरक्षा का सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है और उनको सरकार सुरक्षित नहीं रख पाई और खुद संदिग्ध भूमिका में सरकार भी नजर आ रही है। ये जो गैंगस्टर मामले में अन्य 11 और अन्य लोगों को 12 लोगों को आरोपी बनाया था, अब इस मुकदमे को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी? इसमें विधायक जी का नाम जो है अवेट कर दिया जाएगा और बाकी शेष 12 लोगों के ऊपर मुकदमे चलते रहेंगे।